हेलो प्रीतम का स्वागत है टे नंबर 5 के CWL में। तो क्रेजी चल रहा है अभी, हम 2 पे क्यों है, 2 पे वैसे हम फर्स्ट पे ही है। चिल्ले वो जो नंबर 1 वाला क्लाइंट है ना, उसने अपने सारे के सारे अटैक कर दिए 15, और अभी हमारे अटैक हुए 7, मतलब अभी हमारे 8 अटैक्स बचे हुए, तो हम उनसे तो काफी ज्यादा आगे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 7 आउट ऑफ 2 फेल हुए, बाकी सारे 3 हुए। मैं अपना लाइव अटैक भी करने वाला हूँ, तो मेरे को जाना है नंबर 14 पे। मैं आपको बेस दिखा देता हूँ एक बार, कुछ इस तरह का बेस है एंड इस बेस के ऊपर में अपन को अटैक करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया अटैक करना, बट ठीक है, स्टिल अपन कर लेंगे क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अटैक पे क्लिक करते हैं। रुको रुको रुको, नंबर 14 ही करना था क्या मुझे इस अकाउंट से? अरे ये तो एलियन से क्लेम कर रखा है नंबर, अभी ये भी नहीं तो फिर कौन सा करना है मुझे? ओके नंबर 9 करना है, मतलब कॉम्प्लिकेट में ही भूल गया। चलो नंबर 9 करते हैं अपन। एंड ये बेस है इंटरेस्टिंग ही है यार, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ही यार, बट तुम्हारा भाई कर ही देगा, इतना तो भरोसा है मुझे अपने आप पे कि तुम्हारा भाई इस बेस को कर देगा। वैसे मैं टीएच साइड से पुश करूं, देखते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा प्लान कर लेता हूं इस बेस पे, फिर अटैक करते हैं। चलिए वैसे तो प्लानिंग क्या ही करनी है, अपन अटैक पे क्लिक करते हैं। आर्मी ट्रेन है अपना पूरा 100%, लेट्स गो इनटू द बैटल। आई डोंट नो क्या होने वाला है। वैसे मेरा टारगेट है सेज बैरक से ईगल आर्टिलरी निकालना, अगर वो पॉसिबल हो पाया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अपने लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। यहाँ पर अपन बारबेरियन 2 वेलकरी भी डिप्लॉय कर देते हैं, ताकि यहाँ पर ये फनलिंग वाला जो काम है वो पूरा हो जाए। यहाँ एक और वॉल ब्रेकर डालना पड़ेगा क्योंकि वॉल ओपन यहाँ पर हुई नहीं। चलिए पैक्का वगैरह जाएंगे अभी, काम कर देंगे पैक्का वगैरह, इधर 2 आर्चर डाल लेते हैं एंड बारबेरियन वगैरह अपना काम बखूबी कर रहे हैं। एक पैक्का जा चुका है यहाँ पर डायरेक्टली इनटू द कोर, जहाँ मुझे उसको लेकर के जाना था वो वहाँ चला गया है। चलिए अब यहाँ से अपन अपना अटैक शुरू कर लेते हैं। विथ किंग को मैं थोड़ा साइड डिप्लॉय करूँगा, इधर से सारी वेलकरीज आ जाएगी, इधर मेरे को एक फ्रीज करना पड़ेगा, एक रेज करना पड़ेगा एंड वी हैव अ 2 स्केलेटन स्पेल, एक अपन यूज करके एक हील, एक यहाँ पर अपन डिप्लॉय कर लेते हैं अपना। ये रॉयल चैंपियन भी मैं सोच रहा हूँ आर्मी के साथ ही डिप्लॉय कर लूँ एक बार को, एंड इधर एक अपना ये आ जाएगा स्केलेटन स्पेल ऑन द दिस साइड। अभी आर्मी सही जा रहा है, इधर एक रेज कर लेते हैं। आर्मी तो बढ़िया से जा रहा है, वार्डन का एबिलिटी यहाँ पर यूज करके एक रेज थोड़ा अपर कंपार्टमेंट भी कर देता हूँ, ताकि मेनली सारी चीजें क्लियर हो जाए ना तो बढ़िया रहता है। अभी फ्रीज वगैरह बचे तो हुए हैं, ये फ्रीज में अपर कंपार्टमेंट में ही करूंगा, ताकि अपर कंपार्टमेंट में डैमेज वगैरह अच्छे से पड़ जाए। बाकी एक आर्चर है वो इधर डिप्लॉय कर लेते हैं, किंग का एबिलिटी है, हियर वी गो द किंग्स एबिलिटी, डन देयर, किंग अपना क्लियरिंग कर ही लेगा, कोई दिक्कत आ नहीं रही। इधर अपन अपना डिप्लॉय कर देते हैं आर्चर एंड विजर्ड, विजर्ड क्या मिनियन, ठीक है। रॉयल चैंपियन का यहाँ पर मैं एबिलिटी का यूज कर लेता हूँ, डन 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 डन। क्वीन का एबिलिटी अभी भी बचा हुआ है, किंग बचा हुआ है, क्लियरिंग ट्रुप वगैरह डिप्लॉय ऑलरेडी मैं कर ही चुका हूँ, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बट रॉयल चैंपियन अब जाएगा, देखते क्या करेगा रॉयल चैंपियन एंड डन। एक एक्सबो यहाँ पर डाउन करी जाएगी, एक्सबो डाउन हो गई, अब रिशॉन्ट कैनन भी डाउन हो जाएगी एंड अपना अटैक तो बिल्कुल बखूबी सही जा रहा है, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। भाई यार तू क्या कर रहा है यार, क्यों यार, क्यों है तू जिंदा भाई? नहीं यार, नहीं रहना था तुझे जिंदा भाई। तो फर्स्ट अटैक तो अपन ने 3 कर ही दिया है, डन डना डन। अब अपन चलते हैं, अपना एक और अटैक बचा हुआ है सेकंड अटैक, जो अभी अपन करेंगे लाइव भी। चलिए स्विच करते हैं अकाउंट एंड चलते हैं सेकंड अटैक पे। तो भाई अभी अपना टारगेट है नंबर 13 करना है अपन को। चलिए मैं दिखा देता हूँ अगेन, वापिस से उसी टाइप का कुछ बेस ही है, बट अपन अटैक करेंगे, देखते अपन 3 कर पाएंगे क्या। यहाँ पर आर्मी तो पूरी ट्रेन हो ही रखी है, तो लेट्स बिगिन द अटैक। यहाँ पर सिज बैरक लेकर के मेरे को जाना है एंड मेनली किंग को अंदर की तरफ डालना है मुझे, तो मैं बताऊँ क्या करूंगा। यहाँ पर किंग डाल लेंगे, इधर 3 अपने, 4 यहाँ, 5 सुपर बारबेरियन डाल लेंगे, यहाँ एक वॉल ब्रेकर आएगा। मेन तो फनलिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस अटैक। सारे बारबेरियन वगैरह डिप्लॉय कर लिए अपन ने ऑलरेडी। किंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फनल क्रिएट करना पड़ेगा, तो कर ही देते हैं। किंग जाकर के टीएच कंपार्टमेंट तो इजीली डाउन कर लेगा, उसमें तो अब बखूबी या फिर बोले तो कोई शक नहीं है। एंड यहाँ पर मैं एक फ्रीज करूँगा यार, मैं नहीं मारना देना चाहता यार, इजीली मार लेगी तो फिर तो क्वीन थोड़ा घपला कर देगी। किंग का एबिलिटी यूज़ कर देते, पेक्का को जिंदा रखाना था यार, मेन एम पेक्का मर जाता तो दिक्कत हो जाती। इधर रेज फ्रीज आएगा, इधर एक पॉइजन कर लेते, इधर से रॉयल चैंपियन को डिप्लॉय कर लेते। अभी के लिए अटैक इज गोइंग प्रिटी कूल एंड गुड एंड इधर एक कोर हेड हंटर आएगा, आर्मी इज जस्ट गोइंग इनटू द कोर विदाउट अ प्रॉब्लम। चलो वार्डन का एबिलिटी भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर किंग और रॉयल चैंपियन जाकर के आइस गोलम्स का टेक केयर कर लेंगे, इधर एक और स्केलेटन स्पेल का मैं यूज कर लूंगा, इधर एक फ्रीज का यूज कर लेंगे, इधर एक रेज का यूज कर लेंगे।
बेस के अंदर में रूट राइडर तहलका ही मचा रहे हैं, बिल्कुल कतई जहर वाला काम चल रहा है। रॉयल चैंपियन अभी भी जिंदा है, बट तू क्यों अलाइव है भाई? तीन आर्चर डाल लेते बैक में। भैया तुम अलाइव ना रहो यार, ऐसे ऐसा करोगे तो फिर बुरा लगेगा। चलो क्वीन के लिए पूरा का पूरा ही ओपन कर दिया, पार्थिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ पर आर्चर वगैरह डिप्लॉय कर लेते, इधर डाल लेते मिनियन। रॉयल चैंपियन का एबिलिटी बचा हुआ है, तीन स्पेक्टेटर है और बाकी आप सब भी देख ही रहे हो लाइव अटैक। कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सपोर्ट। वैसे अपना अटैक तो ओवरपावर्ड ही गया है, पूरा का पूरे बेस को ऐसे ही 3 स्टार कर दिया कि जैसे किसी ने सोची ना हो। एंड भाई आई होप आपको ये दोनों अटैक्स अच्छे लगे होंगे, अच्छे लग रहे सारे अटैक, लाइव ही कर रहा हूँ यार, पूरा CWL वीडियो आपको मिल ही रहा है। तो सब्सक्राइब है ना वो वाला बटन, उसको दबा देना यार, दिल से थोड़ा सा अच्छा लगता है ना जब आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो। चलिए अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, क्योंकि मेरे दोनों अटैक हो चुके हैं 9/15। स्कोर हो चुका है 25-21, ईजिली ये वॉर भी विन कर लेंगे और नंबर वन पे आने ही वाले थे, थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि उनके सारे अटैक हो गए भाई के। नंबर वन उनको थोड़ा सा खुश होना था नंबर वन पे आने के लिए, तो वो खुश हो गए। बाकी मिलते अगले रिजल्ट लेकर चलता हूँ, रिजल्ट देख लो गाइस। तो भाई यहाँ पर स्कोर 35-38 हो चुका है, अभी हमारी तरफ से अटैक आ रहा है भाई, नेक टू नेक वॉर चल रहा है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, क्या हम ये वॉर लूज कर जाएंगे। हमारी तरफ से एक थोड़ा सा 1 स्टार हो गया था, मतलब पूरा सा ही 1 स्टार हो गया था, उस वजह से 1 स्टार हम बिहाइंड आ गए। एंड अपोनेंट ने भी काफी अच्छे अटैक्स किए। बाकी यहाँ पर सुपर बारबेरियन डाल के फनलिंग की जा रही है, गुड जॉब। देखते ओवरग्रोथ के साथ में यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, यहाँ पर और 2 सुपर बारबेरियन डाल के फनलिंग की गई, नाइस। सारे के सारे रूट राइडर यहाँ से डिप्लॉय किए गए, वेलकरीज आ गई है एंड वार्डन आ गया। अब क्वीन एंड किंग कहाँ आएगा मेरे को तो वो देखना है। यहाँ पर सिट बेरेक को भी डिप्लॉय कर लिया, किंग एंड क्वीन भी आ गए, पूरा आर्मी आगे की तरफ भी जा रहा है। अपोनेंट का CC भी लूर आउट हो गया। यहाँ पर देखने वाली बात होगी वार्डन एबिलिटी की, फाइनली वार्डन का एबिलिटी यूज किया गया है। एक तरफ में सिट बेरेक यहाँ पर बारबेरियन किंग को भी डाउन कर रहा है, आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। यहाँ पर देखते भाई क्या होगा, ओवरग्रोथ तो अच्छा जा रहा है, आर्मी की जो पोजीशनिंग है वो काफी ज्यादा अमेजिंग कर ली गई है। ये 2-3 रूट राइडर इधर अच्छा काम कर रहे हैं यार। एंड एक तो पॉइजन टावर भी एक्टिवेट करवा लिया उन्होंने, बढ़िया है। यहाँ पर हील बचा हुआ है, रेज बचा हुआ है, एंड हियर वी गो द रेज स्पेल डाउन देयर। एंड अब हील वगैरह यूज करना पड़ेगा, काफी इंटेंस चल रहा है यार अटैक। बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर वार्डन का एबिलिटी यूज हो चुका है ऑलरेडी, किंग क्वीन RC सबके एबिलिटी बचे हुए हैं खैर अभी के लिए तो। बट देखते भाई अब कोर के अंदर में अटैक आ रहा है, TH स्टिल अलाइव है, बैक साइड में पैका एंड विजार्ड यहाँ पर क्लियरिंग बखूबी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एंड वो एक प्लस पॉइंट है यार यहाँ पर अटैक का। फाइनली अब बारी आने वाली है TH कंपार्टमेंट की, एंड TH कंपार्टमेंट में देखते हैं यहाँ पर रॉयल चैंपियन बची हुई है, फ्रीज बची हुई है, क्वीन का एबिलिटी है, रॉयल चैंपियन का एबिलिटी है, परफेक्ट फ्रीज फ्रॉम लीडर यार, हमारे क्लैन के लीडर है बाय द वे, ये जिस क्लैन में मैं अभी CWL खेल रहा हूँ। यहाँ पर क्वीन और रॉयल चैंपियन का एबिलिटी इज इनफ टू गेट थ्रू दिस बेस, आई थिंक सो या इट्स अ सिक्योर 3 स्टार, सो GG फॉर ओवर क्लैन गाइज। एंड अब कुछ भी हो जाए, अब तो इस बेस के अंदर में कुछ नहीं बचा, इट्स अ मैसिव 3 स्टार अटैक गाइज। तो भाई अभी स्कोर हो चुका है टाइट, 38 फ्रॉम अपोनेंट, 38 फ्रॉम ओवर साइड, 14-14 अटैक हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्कोर दिखाता हूं परसेंट में, हम आगे हैं स्टिल, 91.33 अपोनेंट का, केवल 87.47 है, बट अपोनेंट का भी अभी एक अटैक बचा हुआ है नंबर 4 के ऊपर, एंड हमारा एक नंबर 11 के ऊपर बचा हुआ है। यहाँ एक 1 स्टार हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया वॉर, वरना तो हम इजिली विन कर लेते। बट यार बिजॉय जो भी क्लैन है ओवररेटेड, मतलब नीचे की तरफ से आकर के 40-41 हम पे मारकर जाना यार, बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा बेस डिफेंड हुआ, एक हमारे लीडर का और एक मेरे मिस्टर वाइटी अकाउंट का, बाकी एक नीचे से डिफेंड हुआ है, बाकी सारे 3 कर दिए। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट अटैक, तो द लास्ट अटैक कमिंग फ्रॉम ओवर साइड। अब ये 3 होता है तो कंफर्म भी नहीं हमारा, इस अटैक में आपको रिजल्ट पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर एक साइड वॉल ब्रेक करा के किंग को अंदर की तरफ डाल दिया गया है, एक तरफ सिट बेरेक को डाला गया है। यहाँ पर अब देखते किंग से कितना वैल्यू यहाँ पर लूर आउट किया जाता है, रॉयल चैंपियन को भी डिप्लॉय किया गया है बाय द वे। अभी किंग का एबिलिटी भी यूज होगा, यहाँ पर वार्डन का एबिलिटी थोड़ा सा अर्ली आया है, क्वीन वगैरह जाकर के हेल्प आउट कर देगी। यहाँ पर देखते हैं किंग का एबिलिटी भी आ गया है, रॉयल चैंपियन अपना बखूबी काम कर रही है, ओवरग्रोथ स्पेल का भी यहाँ पर यूज किया गया है, आर्मी को मूव करा गया है, किंग यहाँ पर TH कंपार्टमेंट में चला गया। ये देखते ही बनता था, वहां पर स्केलेटन वगैरह आए, अपोनेंट के किंग को भी यहाँ पर डाउन किया जा रहा है, वो एक बहुत बढ़िया बात है यार। यहाँ पर आर्मी पे रेज फ्रीज वगैरह किया जा रहा है, यहाँ पर अभी क्वीन एंड रॉयल चैंपियन दोनों मिलकर CC से जूझ रही है, एंड CC वहां पर किल आउट तो इजिली कर लेंगे। बट यहाँ पर यार किंग क्वीन को आगे की तरफ भी बढ़ना था, यहाँ पर एक स्केलेटन स्पेल का यूज हुआ,
पूरा आर्मी आ गया यहाँ पर, टीएच को ओवरग्रोथ कर दिया, क्वीन का एक एबिलिटी यूज कर दिया, फ्रीज भी कर दिया यहाँ पर, बट रूट मतलब रॉयल चैंपियन का पैट मर चुका है, जो कि यार बहुत अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर रॉयल चैंपियन का एबिलिटी भी यूज हो जाएगा, अब देखना पड़ेगा भाई, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो सकता है अटैक, केवल एक फ्रीज बचा हुआ है एंड भाई ये वन स्टार की तरफ जा रहा है अटैक मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि टीएच कंपार्टमेंट डाउन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पेका वगैरह खैर अभी अलाइव है, बट वो इतना कॉम्प्लिकेट अटैक को कैसे थ्री कर पाएंगे, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। फ्रीज नहीं है, पॉइजन है एंड पॉइजन बचा हुआ है अभी भी, बट क्या रॉयल चैंपियन जाकर के टीएच ले लेगी, आई डोंट थिंक सो भाई। ये वॉर तो बहुत ही इंटेंस गया एंड आई थिंक वी लूज दैट वॉर, बट हम लूज भी कर लेंगे ना, स्टिल हम नंबर वन पे रहने वाले सी डब्ल्यू एल में, हम नीचे नहीं आएंगे क्योंकि अदर क्लाइंट्स हमने इतने मार्जिन में यहाँ पर वॉर्स विन किए, तो यार ये तो सच्चा बैड लक हो गया यार, एक वॉर में दो वन स्टार कैसे हो सकता है। अब यार ठीक है, अब आपने एक लाइव अटैक देख ही लिया, अब अगर अपोनेंट सेफ टू भी करता है वो विन कर लेगा, बट बिजॉय अगर विन भी करता है ना तो भी उनका तो कुछ नहीं होने वाला, और जो नंबर टू वाला क्लैन है वो विन भी कर लेगा तो प्लस 10 होगा उनका, तो 32 उनके 15 अटैक हो चुके तो वो 42 पे आएगी, हम 46 पे ऑलरेडी है, मतलब स्टिल हम 4 स्टार लीड में, स्टिल हमारा प्रमोशन तो हो ही रहा है चैंप वन, क्योंकि अब तो डे 6 डे 7 दो बचे हुए, वो दो भी हमारे किन के साथ है आप देखो, पी एंड एस इवेंट एंड गेम ओवर अगर इनकी पोजिशन देखोगे तो एक नंबर 8 का क्लैन है, एक नंबर 6 का क्लैन है। तो बाकी यार ये वाला सी डब्ल्यू एल तो थोड़ा बैड लक हो गया, बाकी चलो अब रिजल्ट दिखा देते हैं आपको। तो डे इज एंडेड ओवर यार, अपोनेंट लास्ट अटैक भी 3 स्टार कर दिया 39-41, बट स्टिल हमने जैसा कि बोला हम ही नंबर वन रहने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग यार वीडियो, मिलते अगले एपिसोड में, क्लैश ऑन, हैव अ नाइस डे क्लैशर्स।